नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा कार्यक्रम राष्ट्र दरबार। मैं आपके साथ नेहा। आज का हमारा विषय है उत्तराखंड में आरएसएस के संगठन क्यों मांग कर रहे हैं जनसंख्या नीति कानून की। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी, केरल के बाद अब महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। पुणे के रहने वाली एक महिला इस वायरस के चपेट में आ गई है। उधर दूसरी तरफ केरल में जीका वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 63 हो चुकी है। इस तरह एक राज्य से दूसरे राज्य में अब जीका के मामले सामने आने लगे हैं। दूसरी सुर्खी, ललन सिंह के नाम से मशहूर राजीव रंजन सिंह ललन अब जेडीयू के नए अध्यक्ष होंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्रीय मंत्री निवर्तमान जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह, केसी त्यागी, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तीसरी सुर्खी, मेघालय के श्रम मंत्री और बीजेपी के नेता सनबोर शुल्लई मिजोरम के राज्यसभा सदस्य वी वनलाल वेना के विवादित बयान का समर्थन किया है। वी वनलाल वेना ने असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा को लेकर विवादित रूप से कहा था, सबको मार डालो। चौथी सुर्खी, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने काफी कोहराम मचाया था। इस लहर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अब विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर के आने की भी आशंका जता चुके हैं। इस बीच इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का कहना है कि देश के जिन जिलों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपाया है, उन जिलों में तीसरी लहर के दौरान उतना कहर नहीं बरपेगा। यह तीसरी लहर उन जिलों में कम घातक होगी। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबर की। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा गरमाने लगा है। आरएसएस के 35 संगठनों ने मांग की है कि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार को जनसंख्या नीति कानून के बारे में एक बार जरूर विचारना चाहिए और इसे समय के साथ लागू भी करना चाहिए। इन 35 संगठनों से यह सुझाव सत्तारूढ़ बीजेपी पदाधिकारियों के साथ हालिया बैठक में दिया। संगठनों ने यह कहा, प्रदेश सरकार असम और उत्तर प्रदेश की तरह ही सूबे में जनसंख्या नियंत्रण कानून नीति लेकर आए ताकि भौगोलिक स्तर पर संतुलन को सुनिश्चित किया जा सके। देहरादून और नैनीताल में कुछ सालों से मुस्लिम आबादी बढ़ती नजर आई है। इलाकों में मुसलमानों से जुड़े धार्मिक स्थलों का अवैध रूप से विकास भी तेजी से हो रहा है, जिनकी पहचान कर एक्शन जरूर लेना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देहरादून में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, राज्य पार्टी प्रमुख मदन कौशिक और आरएसएस संयुक्त महासचिव डॉक्टर कृष्ण गोपाल और अरुण कुमार मौजूद थे। यहां तक कि मीटिंग में मौजूद बड़ी संख्या में लोग तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के उस फैसले से भी असहमत नजर आए, जिसमें उन्होंने चार धाम देवस्थानम बोर्ड गठित करने का फैसला लिया था, जो चार प्रमुख मंदिरों और 49 समृद्ध मंदिरों का नियंत्रण करता है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने जब इस दौरान कहा कि बोर्ड मंदिरों में विकास कार्य को नियंत्रित करेगा, तभी आरएसएस के एक नेता भड़क कर पूछने लगे कि फिर कम प्रचलित मंदिर और अन्य समुदाय के धार्मिक स्थल भी क्यों नियंत्रण नहीं किए जाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया जाएगा जो बोर्ड के प्रभाव पर शोध करेगा। सूत्रों की तरफ से यह भी बताया गया है कि आरएसएस से जुड़े इन पदाधिकारियों ने यह कहा कि जिलों में अफसर कर्मचारियों की और आम लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे थे, जो कि बहुत निराशाजनक था। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है कि पार्टी का काडर संतुष्ट रहे। अब चाहे यूपी विधानसभा चुनाव हो या उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, इस बार भाजपा सीधा सीधा जातीय समीकरण को भेदने का प्रयास कर रही है, लेकिन केवल इसके लिए राज्य सरकारें जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है। ये कहना भी 100% उचित नहीं होगा, क्योंकि देश में किस प्रकार से अनियंत्रित आबादी बढ़ रही है हम सभी जानते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाना भी गलत नहीं है। यहाँ के स्थानीय नेताओं का कहना है कि देहरादून, हरिद्वार जैसे क्षेत्रों में अस्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ी है, जिस कारण मुस्लिम लोगों ने कई स्थानों पर अवैध रूप से कब्जा किया है। इस पर नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अति आवश्यक है। अब देखना यहाँ ये दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा को अपने इस दावे का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा या नकारात्मक। राष्ट्र दरबार में आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मीडिया दरबार। धन्यवाद।